नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। रिया चक्रवर्ती को लेकर लगातार यहाँ पर आप अलग अलग बातें हर किसी को सुनने को मिल रही हैं, लेकिन इस बार पहली बार एक ऐसा वीडियो सामने निकल कर आया है जिसमें लोग रिया चक्रवर्ती को लेकर भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि ऐसा शायद नहीं होना चाहिए था। अब क्या हो रहा है और किस तरह से चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं वो आपको बता देते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब अगर समय से न्याय ना मिले तो वो न्याय नहीं होता। लेकिन समय से पहले ही अगर आप किसी को आरोपी घोषित कर दें, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? अब फिलहाल ये जो तस्वीरें आई हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं इस वक्त पे, सबसे पहले आप उन तस्वीरों को देखिए जिसमें एक फूड डिलीवरी बॉय रिया चक्रवर्ती के घर खाना देने जा रहा है, लेकिन खाना देने जाने से पहले ही रास्ते में उस डिलीवरी बॉय को घेर लिया जाता है। किस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, किस तरह से उसे हड़काया जा रहा है, किस तरह से उसको लेकर के बातें निकल कर सामने आ रही हैं, और इस पर जब एक वीडियो शेयर किया गया रिया की तरफ से, तो ये अपने आप में ऐसा कोई पहला वीडियो नहीं है जिसको लेकर के इस तरह की बातचीत सामने निकल कर आई, जहां रिया ने कहा कि उनकी जान को खतरा है और उनके घर आने वाले हर एक शख्स को इसी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। फिर चाहे उनके वॉचमैन का दिया एक बयान, जो सिक्योरिटी गार्ड है वहां पर, उसका दिया हुआ एक बयान भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा था, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा था कि परेशानियां जो हैं वो अभी से, जबकि रिया से सीबीआई ने अब तक उस लिहाज से उन्हें कोई आरोपी डिक्लेयर नहीं किया है, उनको अपनी हिरासत में नहीं लिया है किसी जांच के दम पर या उनसे बातचीत के बाद। अभी सारी की जो सारी चीज़ें एफआईआर में सिर्फ उनका नाम लिखा गया है, एफआईआर में नाम लिख के ये कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती जो हैं उनके पिता सुशांत के पिता केके सिंह ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें उन्होंने एफआईआर में रिया चक्रवर्ती का नाम लिखा है, यानी अभी वो आरोपी घोषित नहीं हुई है। उससे पहले ही चीज़ें किस तरह से बिगड़ती चली जा रही हैं वो आप इस वक्त पे देख ही रहे हैं, और ये वॉचमैन का बयान भी वही बताता है, जो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर है वो भी यही बताते हैं, और जो फूड डिलीवरी बॉय के साथ आपने होते हुए देखा वो भी यही बताता है। सिक्योरिटी गार्ड का क्या कहना है वो भी जरा सुन लीजिए। मेरा नाम राम है, मैं इधर 10 साल से हूँ सिक्योरिटी गार्ड करता हूँ, लेकिन आज मीडिया वाला आया था, मीडिया वाला इतना तंग कर रहे कि सब उसको हमको मार रहे हैं, पीट रहे थे, चोट भी है, चोट आ गया है, उसको वजह से मेरा घर पे भी बच्चे बाल बच्चे हैं, हम लोग को घर पे जाने में नहीं मिल रहे हैं, इसके लिए सब पूरा बवाल चालू है इधर दिल्ली में। तो सब लोग मीडिया वाला बोलता है कि उसको क्यों छोड़ा, उसको क्यों ये कर रहा है, सब लोग हम लोग को सब धमकी दे रहे हैं ऊपर जाने के लिए, बोलता है वो बार बार हम लोग को बार बार मारता है, पीटता है, ऐसा ऐसा। तो ये दो अलग अलग तरह के रिएक्शंस हैं, हर तरह से चीज़ें वैसे जिस तरह से निकल कर सामने आ रही हैं, लोगों के बीच एक गुस्सा तो है, खासतौर पर अब जो नार्कोटिक्स की बात सामने निकल कर आ रही है कि रिया का जो है वो ड्रग्स से फर्स्ट हैंड कनेक्शन था, उनके भाई को भी इसमें कहीं ना कहीं संलिप्त पाया जा रहा है, शोविक चक्रवर्ती को, और इसके अलावा कुछ लोग, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा है कि सुशांत को भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना जो है वो रिया का ही काम था। यानी पूरी तरह से अगर हम एक तरफ कहें कि देश में पहले से ही ये हर कोई मानकर चल रहा है कि रिया इस पूरे के पूरे मामले में कहीं ना कहीं कल्प्रिट है, तो ये एक और चीज़ अब नार्कोटिक्स वाला मसला जो है अब उस पर जिस तरह से जुड़ा है, उसने आग में घी डालने का काम किया है। तो ये सारी चीज़ें जो सामने निकल कर आई हैं, उसने एक बात तो साफ कर दी है कि देश में रिया को लेकर एक जो इमेज है वो पहले ही बन चुकी है, जो बहुत ज़्यादा जो जस्टिस डिलेड और जस्टिस डिनाइड का मैंने उदाहरण दिया था उसके बिल्कुल विपरीत जाती है, कि अगर देर से किसी को न्याय मिल रहा है वो गलत है, तो किसी को जांच से पहले ही अपराधी घोषित कर देना वो भी एक तरह से इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं जो भीड़ ने किया, खास तौर पर डिलीवरी बॉय के साथ, आप सोचिए वो डिलीवरी बॉय सिर्फ अपना काम कर रहा था, और उसको लेकर के खास तौर पर मीडिया के लोग भी जिस तरह से इन्वॉल्व हैं इस सारी चीज़ में, वो भी इसकी आलोचना जो है वो होनी चाहिए, इसको क्रिटिसाइज किया जाना चाहिए। तो हम यही चाहते हैं कि आप कम से कम ऐसे मसलों पर तो जागरूक रहिए कि डिलीवरी बॉय की इसमें क्या गलती, अगर रिया ने जो किया है उसकी सज़ा उन्हें सीबीआई देगी, सीबीआई तय करेगी तो अदालत उस पर सज़ा सुनाएगी और फिर जो भी होगा वो सामने निकल कर आएगा। लेकिन अभी से इस तरह के एक्शन ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं लोग वहाँ पर जो कर रहे थे, खासतौर पर उस डिलीवरी बॉय के साथ, या फिर जिस तरह से सिक्योरिटी गार्ड का बयान है, वो चीज़ें गलत हैं, और इस चीज़ को हर किसी को कंट्रोल पर रखना चाहिए। अलग अलग टीवी चैनल्स हैं जो कि रिया के घर का की खिड़की के अंदर से टीवी की तस्वीरें सामने निकाल कर ला रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो टीवी में क्या देख रही हैं वो देखिए। तो आपको किसी के प्राइवेट स्पेस में इस तरह से भी नहीं घुसना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो रही हैं जिनकी आलोचना करनी चाहिए और आप लोगों को भी इस पर लिखना चाहिए। तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए
कि उस डिलीवरी बॉय की क्या गलती थी या सिक्योरिटी गार्ड की क्या गलती है। ये सारी की सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि आप भी इस पर मुखर हों और आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि लोगों तक ये पहुँचे। जागरूकता का एक अवेयरनेस वीडियो इस तरह से समझिए और इसे शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।